मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों मरियम सफ़दर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें एक वीडियो दिखाई गई और वो वीडियो थी एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब की। इस वीडियो में दो और शख्स मौजूद थे एहतसाब अदालत के जज के घर, वो थे नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ। इन दोनों ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो की ऑडियो लैदर रिकॉर्ड की गई और वीडियो लैदर रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दें कि इस वीडियो की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जो कि अब अदालत ने फैसला किया, आज हेयरिंग हुई है, तो इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या तफसीलात इस हेयरिंग में निकली। नाज़रीन, अगर मरियम सफदर के पास ये सारे सबूत थे तो उसने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया, उसने मीडिया को ही क्यों चुना? इनका मकसद तो सिर्फ एक ही था कि इनका पुराना बयानिया जो था वो फ्लॉप हो चुका था, अब ये नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सब ड्रामा मीडिया के सामने करने के बाद भी मरियम सफदर ने अदालत की तरफ रुजू नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के तीन आम शहरियों ने अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, जो कि आज 16 तारीख है और आज ये समाअत मुकर्रर हुई। इसके बारे में हम आपको तफसीलात देने जा रहे हैं। एक तीन रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा। तीन इस केस की प्रोसीडिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि पहले तो हम वीडियो की बात करते हैं कि क्या वीडियो इस केस से रेलिवेंट भी है कि नहीं, और दूसरा ये कि क्या वीडियो बनाने वाले पर साइबर क्राइम का कानून लागू होता है, और तीसरा ये कि क्या आप कैसे किसी शहरी की बगैर इजाज़त के वीडियो बनाकर ऐसे मीडिया पर चला सकते हैं, और वो भी कोई आम शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के एहतसाब अदालत के जज। नाज़रीन, अगर ऐसे कानून का इतलाक़ होता है तो इसके ज़ुमरे में मरियम सफदर और PMLN की सारी लीडरशिप ही आ सकती है, क्योंकि ये इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियो दिखाई गई तो ये सारे भी मौजूद थे। और दूसरी बात ये आती है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि हम ये भी कंफर्म करेंगे कि क्या ये वीडियो केस जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया गया, क्या ये उससे पहले बनाई गई या उससे बाद बनाई गई, और इसको बनाने का मकसद क्या था, और अगर ये बनाई भी गई है तो क्या इसके साथ कोई टैंपरिंग हुई है, क्या ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ये तो बाद की बातें हैं, पहले तो ये देखा जाएगा कि बनाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिसने ये ब्लैकमेलिंग की गर्ज से ये वीडियो बनाई। फिर नाजरीन, एक दरख्वास्त गुजार ने ये सवाल किया कि जज साहब आप इस मामले में एक कमीशन बनाएं, अदालतों ने सही फैसले नहीं दिए। तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एतमाद रखें, पाकिस्तान की अदालतें हैं जो मजबूत हैं, आपको इंशाल्लाह कानून और आइन के मुताबिक फैसला मिलेगा, कोई दबाव नहीं है हम पर, हम आजादाना फैसला करते रहे हैं और करते रहेंगे। रहास गुजार ने यह भी कहा कि आप कमीशन में ISI का बंदा रखें। तो जज साहब ने कहा कि एक तरफ तो आप दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उसमें आप लिखते हैं कि ISI के बंदों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात के लिए भी ISI का बंदा रखें। उन्होंने कहा नहीं, हम अदालती बेंच बनाएंगे, हाँ वो लाहौर हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या कोई रिटायर्ड जज हो, हम इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इससे तीन सवालात उठते हैं कि अरशद मलिक की वजह से अदलिया को कितना नुकसान पहुंचा, और दूसरा कि वीडियो सच्ची भी है या नहीं, और ये कि क्या ये वीडियो उस वक्त बनाई गई जब फैसला आ चुका था या आना था, और अब इसमें अदलिया की वकार की बात आ गई है तो अब अदलिया पूरी यकीन दहानी कराएगी कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि कल 17 जुलाई को कुलभूषण यादव केस जो कि आलमी अदालत में चल रहा है, कल उसका नीदरलैंड में फैसला आने वाला है, तो इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नीदरलैंड में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो
چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کو تحقیقات کرنے کا وقت دیتے ہیں، 23 جولائی تک وہ تحقیقات کریں کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی اور ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کر آئین اور قانون کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ناظرین، اب یہ تو ہوگی کیس کی بات، ناظرین چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر جو بھی اس کیس میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ مریم صفدر نے اس کیس میں ڈرامہ کیا، ایک سمپتی لینے کی کوشش کی، اداروں کو پریشر میں لانے کی کوشش کی کہ وہ نواز شریف کو چھوڑ دیں، اگر یہ فیصلہ ناظرین مریم صفدر کے خلاف آتا ہے تو اسے 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ 14 سال ناظرین پاکستان میں عمر قید کی سزا ہے، 14 سال، اور ساتھ ساتھ سال دو دفعہ جسٹس آصف سید خوصا مریم صفدر کو کر سکتے ہیں سزا۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی آپ کو اس سے آگاہ کیے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ نگہبان۔